हाँ, ये नाम सही है, टम्मा टम्मा लोगे केचप। कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल लड़के लग रहे हैं आप तो। हम लोग टमाटर का केचप बनाते हैं और उसमें कसम खाने के लिए भी एक टमाटर तक नहीं डालते। बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? रिश्वत देने वालों को क्या कहते हैं? शरीफुद्दीन, तेरा बाप होगा रिश्वत खोर। इस नंबर वन चैनल पर एक और जाली फैक्ट्री को बंद कराया। हमें फटेगा काबू। एक बात याद रखना, जिस दिन मैं फटाना पूरे घर में केचप ही केचप होगा। हो मैं व्हाइट वाटर नहीं तो कुछ भी नहीं। साबुन से कोई भी हाथ मुंह धोएगा ना तो मैल निकलेगा और धोने वाले क्या समझेगा कि वो साबुन बड़ा अच्छा है। काश के मुझे आप पर फखर होता। नाज़रीन, मुझे लगता है कि किसी ने पहले ही मुखबरी कर दी है कि हमारी रिपोर्टिंग टीम यहाँ छापा मारने आ रही है, तभी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। एक बार फिर जोर से बजा कर देखते हैं कि क्या कोई बाहर निकलता है कि नहीं। खोला नहीं तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। अबे क्या मुसीबत है, सकून से नहाने भी नहीं देते। कौन है? नाज़रीन ये देखिए, ये है वो अनासिर जो अपना इस्तेमाल किया हुआ झूठा साबुन और शैम्पू और जाली साबुन और शैम्पू पैक कर मार्केटों में हमारे इस्तेमाल के लिए बेचते हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं ये जाली साबुन और शैम्पू कैसे बनाते हैं। आइए चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर अंदर अंदर, गेट बंद करो जी। नाज़रीन ये देखिए, ये देखिए कि किस तरह ये दो नंबर साबुन और शैम्पू बनाते हैं और उससे हमारे खाल और हमारे बाल सब खराब होते हैं। कैसे बनाते हैं ये? झूठा। हाँ झूठा, झूठा साबुन और शैम्पू ही तो इन डब्बों में पैक करके वापस मार्केट में बेचते हो और गरीब सार्फिन को बेचते हो, जिससे उनके खाल और बाल दोनों खराब होते हैं। क्यों करते हो जाली काम तुम लोग? भाई जाली गाएगा भाई, ये झाग नहीं बनाता, देख। झाग तो बनाता है लेकिन लोगों का ये क्या हो गया भाई? नाज़रीन यहाँ के रहायशी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि इनको यहाँ पर कोई तकलीफ होनी होती। जी सर, कोई तकलीफ नहीं होती आपको इधर? पहले मुझे एक बंदा बात करे। जी सर, टीवी पे आ गई है? सर आएगा नहीं, बल्कि ये आ रहा है और इस वक्त दुनिया भर में लाखों लोग आपको लाइव देख रहे हैं। जो बोलना है बोलिए। नाज़रीन मेरा नाम गुड्डू है और मैं इस कारखाने के मालिक का बेटा। खामोश नहीं रहूंगा। खामोश, लाइव जा रही है, लाइव। देखो भाई बात सुनो। जी 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 बोलिए। तुमने जो काम किया है सर आंखों पर, कमाल कर दिया तुमने भाई। तुम्हारे इस काम से हमारे सर फखर से ऊंचे हो गए। तुमने इस मोहल्ले में निशानदेही कर दी है कि काम नंबर दो हो गया है। तुम फिक्र मत करो, चाय खाना लाओ, चाय पियो, खाना खाओ, जो भी सर एक शर्त पे, हम इसको बंद कराएंगे। एक शर्त, यही शर्त, यही शर्त, आप बंद कराएं इनको। बिल्कुल, मैं अभी मोहल्ले वालों को सब कुछ जमा करता हूँ, पूरी पंचायत निकालता हूँ और इसको फौरन बंद कराऊंगा। तुमने निशानदेही कर दी काम नंबर दो करने वालों की, आप देखिएगा पूरी पंचायत, पूरी दुनिया ले आऊंगा, पूरा मोहल्ला जमा कर लूंगा। देखिए आप इस बात की कमिटमेंट करें हमसे कि एक जाली कारखाना बंद होगा। बिल्कुल, सबको लाके हड़ताल कर दूंगा, एफआईआर कर दूंगा और उनको निकलवाऊंगा इस मोहल्ले से। बस आपकी इसी कमिटमेंट पर हम प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करेंगे और फर्दर कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना हम पुलिस तक जा रहे थे। बस आपके कहने पर, एक मुअज्जिज़ बंदे के कहने पर हम यहाँ से वापस आएंगे और ये सारा काम हम निपटाएंगे। आपका होस्ट उमर शाह पाकिस्तान के नंबर वन चैनल पर इस तरह के काम दिखाता रहेगा। थैंक यू आपकी। न्यूज चैनल की टीम है ये, हम जैसे दो नंबर काम करने वालों को बेनकाब करके पुलिस के हवाले कर देती है। जानता हूँ। दूसरों की नजरों में धूल झोंकने वालों के अपने दिल इतने गर्द आलूद होते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनकी धोखेबाजी से दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है। उन्हें तो सिर्फ अपने फायदे से गर्ज होती है। अभी जो मंजर आपने देखा उससे ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो कानूनी और इखलाकी एतबार से गलत है। लेकिन इस हकीकत को जानने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की कहानी। मैं हूँ सुहेल समीर, आप देख रहे हैं ऐसा भी होता है। भैया व्हाइट वाटर है? नहीं। कमाल करते हो यार, व्हाइट वाटर नहीं है आपके पास? बे व्हाइट वाटर नहीं तो कुछ भी नहीं, माचिस तो होगी? हाँ। तो दुकान को आग लगा दो। अबे क्या पागल वागल हो गया क्या? अबे पागल नहीं हो गया, सही बोल रहा हूँ। वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, जिस खेत से मैसर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के खोशाए गंदुम को जला दो। इस दुकान में व्हाइट वाटर नहीं है, इस दुकान को जला देना ही बेहतर। अबे ये व्हाइट वाटर है क्या? पूरे करने की क्रीम है क्या? है कुछ तो होगा। वह पीने का पानी है, साफ पानी, मिनरल वाटर, मिनरल। बस ये समझ लो कि आबशार से गिरा और बोतल में आया। नहीं है भाई, अभी तो नहीं है। अबे तो रखो ना यार, अब देखो आगे वाली दुकान से खरीदना पड़ेगा, उसकी बिक्री हो जाएगी। अजीब ही किस्म का इंसान है यार।
हाय हाय, कहाँ से आ गई? कितनी मरतबा अबू से कहा है कि छन्नी लगवा दो, ये भरवाएंगे किसी दिन। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार गुड्डू भाई, आखिर आपके साथ मसला क्या है? मसला? फिलहाल तो मेरा सबसे बड़ा मसला मेरी बीवी बनी हुई है, उसका इलाज कर सकता है तो कर दे भाई। हैं? हाँ, बाकी कसम जिंदगी हराम करके रख दी है उसने। यार गुड्डू भाई, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप अपनी कहानी लेकर बैठ गए। यार भाभी अगर आपको खाने से ज्यादा डांट खिलाती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपस का मामला है आपका। किसके बीच का मामला है और क्या हो रहा है, ये क्या बात हो रही है? अच्छा हुआ शरीफ भाई आप आ गए, आज फैसला हो ही जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। क्या मतलब दूध का दूध? एक मिनट, ये पानी का पानी तो समझ में आता है, ये तो दूध बीच में कहाँ से ले आया? हम तुझे क्या गवाले नजर आते हैं जो दूध में पानी मिलाते हैं? हम साफ पानी बेचते हैं समझा, और पानी में से ना गंद निकाल के बेचते हैं, बल्कि उसको मजीद साफ करने के लिए ना उसमें फिटकड़ी और केमिकल डालते हैं। हम कोई गवालों के खानदान से नहीं है समझा। अबे आपके खानदान का हमें क्या पता, तुम्हारे खानदान को तो ये सही बता सकते हैं। अबे तू होता कौन है हमारे खानदान के बारे में मालूम करने वाला? हमारे खानदान के बारे में पूछने का सिर्फ नादरा को है, तू कौन है? अबू ये नादरा कौन है? तेरी माँ है। मगर मेरी अम्मी का नाम तो। अबे मुझे पता है मुझे। एक बात कहूँ, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि अस्पताल वालों ने मेरे साथ वाकई धांधली की है, पर तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। काम मैं शातराना चालों का मालिक और कांत को अकल से पैदल। हाँ, अपना कलर देखो कितना साफ है, और शरीफ भाई का कलर देखो कितना जला हुआ है, अपने बाल देखो कितने घने हैं, और शरीफ भाई के बाल, इनके बालों को देखकर तो हंसी आती है। अबे तू मेरे साथ ही है इसके? मैं तो आपके साथ हूँ। अब यार शरीफ भाई, यार गुड्डू भाई को समझाओ, ये मेरे इलाके से ना दूर आकर है, ये मेरे एरिया में क्यों मार्केटिंग करने घुस जाते हैं? यार शब्द, तू क्यों मुझे घिसा पिटा डायलॉग बोलने पर मजबूर कर रहा है? तेरी असर पुलिस वालों का होता है या फिर तेरा। अबे टाइमिंग देखकर बात क्या कर तू? हाँ मैं समझ गया, यानी हम दोनों ना किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसकी जान नहीं छोड़ते समझा। देखा खुद की मिसाल कितनी जल्दी समझ गया ये। यार शरीफ भाई मना कर दो ना गुड्डू भाई को, अपने मोहल्ले में जाकर काम किया करें। तू देख कौन आया। अबे सही तो कह रहे हैं गुशद्दू, जब दोनों के मैंने मोहल्ले बांट दिए तो इसके मोहल्ले में क्यों घुस जाता तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपकी तारीफ आज तक किसी ने की तो नहीं, आप भी कोशिश मत कीजिएगा। पहली बात तो ये कि इस रेजिडेंशियल एरिया में आपने वाटर फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है, यानी कि इस घर से आप अपना कारोबार चला रहे हैं, जबकि ये रिहायशी इलाका है। यहाँ कहाँ फिल्टर प्लांट लगा भाई, ये तो डायरेक्ट लाइन आ रही है डायरेक्ट। सुन लिया शरीफ भाई, इलाका बोल रहे हैं, इलाका यानी के एरिया, और एरिया किसका होता है जरा बताइए इनको। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? जी मेरा नाम दानिश बोतल वाला है, और मैं यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। अरे भाई वाह कमाल कर दिया। हाँ भैया तो बोतल वाले हैं, भैया तो ऐसा लगता है कि हमारे पेटी वाले हैं, और बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे बिरादरी क्या है, भैया बोतल वाले हैं और हम पानी वाले। भैया हम पानी जो है बोतलों में तो भर के देते हैं, क्यों? ये दो लाइनें किस चीज की है? ये वाली ना एक सरकारी है, और ये जो दूसरी है ना ये। अरे भाई तुम बोर हो रहे हो तो जाओ बाहर खेलो कूदो आइसक्रीम खाओ, यहाँ अगर रहोगे तो फिर जूते खाओगे। मगर अबू मैं तो इनको जोरो या फुटबॉल बनाऊ। आपको जादू भी आता है क्या? हाँ सुबह सुबह आता है। चाहता हूँ। चलो भाई जल्दी जाता हूँ बच्चा। देखो भाई बात दरअसल यह है कि हम लोग ये प्लांट लगवाया है ना, ये लोगों की खिदमत के लिए है, और लोगों की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। अबे तू यहाँ खड़ा मुंह देख रहा है यार, भाई पानी चाय बोतल डंडी और ये सब कुछ लेकर आया यार। हाँ ठीक है, हाँ लाता, आप बैठे तो सही। क्यों, मेरी टांग में दर्द थोड़ी है?
अरे छोड़ो इन बातों को, आप अपनी सिलाई के चक्कर में क्यों अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं भाई? भाई बैठ के बात कर लेते हैं, बैठो सही। अरे बैठ जाएंगे, पहले जरा आपके प्लांट की सफाई का जायजा तो लें, पता तो चले कि आप वाकई खिदमत कर रहे हैं। भाई देखो तुम्हारी टांगों में दर्द ही हो रहा है, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों, मेरी टांगों में थोड़ी दर्द है? भाई बैठ के बात कर लेते हैं ना, आए बैठो। आपके पेट में दर्द होगा मैं समझा नहीं। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई पेट पे लात मारेगा तो पेट में दर्द होगा ही, है कोई गुदगुदी तो होने से नहीं। भाई वो छोड़ो बात हो, बस ये आपस की बात है, ये बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। आप खुल के कहें, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए सर, सीधी सी बात है, अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे ना तो हम आपके लिए अच्छे पीसे। पैसे? आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई सोचने की? आपको पता है कि रिश्वत देने के इल्जाम में मैं आपको अंदर करवा सकता हूँ? आप तो ऐसी बुरा मान गए, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। नहीं नहीं बोलो ना, क्या देने का कह रहे थे? तुम क्या दे सकते हो मुझे, हाँ बोलो। अरे मैं पूछ रहा हूँ मुझे क्या दे सकते हो? बोल तो रहा हूँ वो ऐसा है कि वो हम आपको वो क्या कहते हैं वो दस बस, अब इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। देखिए आप नाराज मत होइएगा। मैंने कहा ना इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। लाओ दो। क्या? अरे 10,000 यार, लाओ दो। दस भाई ये बात हुई ना, है कमाल कर दिया तुमने माशाल्लाह। भाई ऐसा कर, पैसे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन बैठो पैसे भी ले लो, चाय तो पिए जाओ आप। अच्छा ये बताओ कि तुम हफ्ते में आते हो महीने में आते हो? कभी कभार। खूबियां रिश्वत की जब मुझ पे नुमाया हो गईं, मेरी तमाम मुश्किलें फिलफौर आसान हो गईं। पैसे के जोर पर सही को गलत और गलत को सही साबित करना हमारे मुआशरे में एक आम सी बात है। दूसरों की बुराइयों का जिक्र करने से पहले हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम मुआशरे में तब्दीली चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि हम जब कभी किसी मुश्किल से दोचार होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि कुछ ले देकर अपनी जान छुड़ा ली जाए। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो रिश्वत खोर निकला, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अब्बू वैसे रिश्वत लेने वालों को तो रिश्वत खोर कहते हैं, लेकिन रिश्वत देने वालों को क्या कहते हैं? शरीफुद्दीन तेरा बाप होगा रिश्वत खोर। वही तो कह रहा हूँ अब्बू। गड्डू ये किसका गोश्त ले आया तू? काला हो रहा है, कहाँ से लाया ये? अबे घर का गोश्त तो नहीं ले आया तू? अब्बू कोई अपना ही गोश्त कैसे ला सकता है? अरे इन कमबख्तों का कोई भरोसा नहीं है, ये गाय के गोश्त के नाम पर गधे का गोश्त दे देते हैं और बकरी के गोश्त के नाम पर ये कुत्ते का गोश्त थमा देते हैं। अरे इंसान को पता नहीं चलता है कि हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है। यार दुनिया की है, किसने बनाई है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी भाई, बोले। भाई मैं व्हाइट मिनरल वाटर की तरफ से आया हूँ बुकिंग के लिए। भाई इतने दिन से कहाँ थे, इतने ग्राहक मेरी दुकान से जा चुके हैं, इतना मशहूर मेरी दुकान का नाम है। भाई बात दरअसल ये है कि हमारे पानी की डिमांड ही बहुत है, हमारे जो पुराने स्टोर वाले हैं ना पहले हम उनका माल पूरा करते हैं, अगर आपसे हमारी सेटिंग होगी तो हर महीने चक्कर लगा लिया करूँगा। हर महीने क्यों यार, दूसरे तो हर हफ्ते चक्कर लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि यार दूसरे दिन टपक पड़ते हैं। भाई फालतू लोग होंगे वो, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम महीने से पहले नहीं आते। अच्छा ये बताए कितनी बोतलें लिखूँ? कोई स्कीम वगैरह नहीं है क्या? स्कीम है भाई, एक मरतबा आपने हमारा पानी अपनी दुकान में बेचना शुरू किया ना, फिर देखिएगा कैसे चांदनी होती है आपकी। ऐसा करो कि 3 गैलन बड़े वाले कर दो और 3 क्रेट छोटे वाले कर दो। क्या हो गया भाई? बस ये आप एक दिन का स्टॉक ले रहे हैं कि एक महीने का? मैंने बताया ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता, महीने से पहले मैं नहीं आ सकूँगा। ऐसा करो कि 30 कैन बड़े वाले कर दो और 36 कार्टन जो है ना 1.5 लीटर वाले कर दो। ये हुई ना बात, बस आप बेफिक्र हो जाए, कल तक आपका माल पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। सद्दू ने 100 बोतलों का साथ दिया था मुझे, 40 बोतलें दिए हैं इसने सुपर स्टोर पे, छ गया। 25 बोतलें गरीब भाई को दिए हैं,
अगले जो मोहल्ले में रही दुकान को दिए ना उसने दिए 3500। काम बहुत अच्छा कर रहा भाई। हाँ वाली बात है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम है बम। अभी कैसे हाल है तेरे? अभी तो फटा नहीं तू, बैठ 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 बैठ। क्या मंजन सारा फैला के बैठे हुए उधर। और सुनाओ कैसे हो आजकल? तो नजर ही नहीं आते हो। अरे कैसे नजर नहीं आ रहा, सामने बैठे तेरे सामने बैठे भाई, क्यों मजाक कर रहा है उससे? ए शरीफ भाई, ये मेरे को बम बोल के ना तूने मेरे को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया हो। अभी गली से निकलता हूँ तो पीछे लड़के आवाज लगाते हैं, बम है बम है बम है। हाँ ये बात तो है, और ये भी जानता हूँ कि बिना वजह तू अपने घर भी नहीं जाता है। कैसी बातें कर रहे हो यार, लगता है बहुत माल आ रहा है ने मगरूर होते जा रहे हो। नहीं यार ये बात नहीं है भाई, आजकल हालत बड़ी पति चल रही है। क्यों, क्या मोशन लग गए क्या? देख भाई, ये अगर गंदी जुगाते हो तो मुझ पे मारेगा ना, तो तू जानता है इस मामले में कितनी बड़ी फिल्म हूँ। सॉरी सॉरी यार, गलती से मिस्टेक हो गई यार। एक बात तो बता, ये तेरा मिनरल वाटर का कारोबार कैसे चल रहा है? बस चल रहा है काम, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं है भाई। और ऊपर से जो मेहमान आते हैं सरकारी, उनकी जो यानी कि खिदमत के अंदर जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, बचा कुचा, वो भी ले जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तू एक काम क्यों नहीं करता, केचप का कारोबार शुरू कर दे, अंधी कमाए अंधी कमाए। केचप? ए भाई, 10,000 का एक कनस्तर आएगा ना, ने छोटी छोटी बोतलों में डाल के बेचेगा ना, तो 30-40 हज़ार रुपये तो आराम से आ जाएंगे। क्या ये बात तो है। अब ये बता कि इसके शुरू में पैसे कितने खर्च होंगे? यही तो मजा है इस काम में, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी चाहिए। जैसे पानी का काम चल रहा है वैसे ये केचप का काम भी चलेगा। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन एक बात है शरीफ भाई, अखबार में इश्तेहार जरूर देना पड़ेगा, पब्लिसिटी भी तो जरूरी है ना यार। नहीं ये बात तो मानता हूँ भाई, तेरी बात में तेरे मशवरों में अखबार के इश्तेहारात का होना ऐसा ही है जैसे खाली कैन में हवा। ये तो होगी जमाने भर की बात है, लेकिन एक खास सवाल रहता है, उस सवाल का जवाब दे दू। पूछो पूछो, तेरे को पता है मैं कितना गिनियस आदमी हूँ। अबे फटेगा काबू। ए शरीफ भाई क्यों मेरे पीछे पड़ा है यार? एक बात याद रखना, जिस दिन मैं फटा ना पूरे घर में केचप ही केचप होगा। हो अच्छा अच्छा, नाराज मत हो नाराज मत हो। ये बता पानी की बोतल कितनी भेज दूं घर में? मेरे को माफ कर भाई, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही नलके से भर लूंगा। हो अच्छा बात सुन, ये यहाँ तो कह रही है बार मत कही हो यार, किधर फंस गया हूँ मैं यार। अच्छा चाय तो पी करू। अब आज चाय पा रहा हूँ। केचप का नाम होना क्या चाहिए, नाम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। टम्मा टम्मा लोगे केचप, टम्मा टम्मा लोगे केचप। हाँ ये नाम सही है भाई, टम्मा टम्मा लोगे केचप। है कैसा टम्मा टम्मा लोगे केचप, ये कैसा नाम है भैया? आर्टिस्टिक नाम है, तुम नहीं समझोगी। बस रहने दे अब्बू, ये किसी केचप वेचप का नाम नहीं है, ये तो किसी गाने के बोल है। हाँ हाँ याद आया, तो मैं भी सोच रहा था कि नाम सुना सुना लग रहा है, मगर ऐसा तो गाना भी है। अबे तू तो मुंह मत खोला कर, जब भी बोलता है बकवास करता है भाई। असल में टम्मा टम्मा लोगे केचप उस सब्जी वाले की पुकार की अक्कासी करता है जो गलियों में दूसरी सब्जियों के साथ टमाटर भी बेचता है। अब सुनो, टमाटर लोगे टमाटर है, टमाटर लोगे टमाटर, मैंने टर टर निकाल दिया, अब ये बन गया टम्मा टम्मा लोगे केचप। कैसा है? सच बोलूं अबू तो बहुत अजीब सा आइडिया। अजीब सा नहीं है बल्कि तू है गरीब सा, हर काम में तू नींद में निकालता कीड़े निकालता, हर बात में काम निकालने देता तुझे। अच्छा वाला मूड खराब कर दिया। हाँ ये सही, बट टम्मा टम्मा लोगे केचप बस फाइनल। ये शरीफ साहब सिर्फ नाम के ही शरीफ थे, दूसरों को बेवकूफ बनाने का फन शायद उन्हें वरासत में मिला था। उन्हें नहीं लगता था कि गुड्डू उनकी इस खानदानी रवायत को आगे लेकर जा सकेगा। शरीफ अपने कारोबार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कारोबार था कि मुस्तहकम होके नहीं दे रहा था। अरे अफजल भाई टेंशन लेने का नहीं है, मैं कह रही हूँ ना कि परेशान मत हो। मैं कह रही हूँ ना, अब देखो ऐसा है कि कल शाम तक माल पहुंच जाएगा, ठीक है? बस एक काम करना, पेमेंट की जो डेट है ना आगे की नहीं दीजिएगा, मुझे भी तो देने पड़ते ना भाई। अरे फिक्र ही मत करो। हाँ चल अल्लाह। शरीफ भाई
मजे आ गए, चांदिया होनी है चांदिया हो। तो क्या करूं, सोने का पट्टा लगा दूं? मैं तो मजाक कर रहा था यार, अब तो बुरा मान जाते हो हर बात में हो। तुम भी तो बुरा मान जाते हो, डिटाई की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। अब मेरा मतलब है बम भाई, आप पहले आदमी होगे जो अपना केक कटने पर ऐसे खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है। ए बेशरम बदतमीज, दो टके के नौकर, तेरे को शर्म नहीं आती जो दो बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते? तेरे माँ बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई क्या? दो बड़े, मुझे तो आप ही बड़े नजर आ रहे हो। शरीफ भाई तो बेचारे बूढ़े, आप दोनों को मिलाकर बनता है बड़े बूढ़े। अबे बूढ़ा होगा तेरा बाप। हाँ तो है ना, इसमें क्या शक है? इतने जवान जान आदमी का बाप बूढ़ा नहीं होगा तो क्या जवान होगा? वैसे अबू ईमानदारी वाली बात है, अब वाकई बूढ़े हो रहे हैं, देखे ना आपके सर पे बाल ही नहीं है। बेटा मुझे तो तुझ पर पहले ही शक था, बल्कि अब तो यकीन है कि अस्पताल वालों ने मेरे साथ यकीनन कोई धांधली की है। अब अच्छा अच्छा, अभी शरीफ भाई लड़ाई झगड़े बंद करो, अबे आपने तो मिठाई भी नहीं खिलाई यार, कम से कम चाय तो पिला दो एक। अबे सद्दो जी शरीफ भाई। अभी बात जा भाई यार, हमारे एटम बम के लिए बमबार्ड किस्म की चाय ले आया बनवा के। अभी जाता हूँ शरीफ भाई। कमाल है भाई, यहाँ के लैट्रिन में तो बू ही नहीं है, है? भाई माशाल्लाह है, वाह भाई वाह। हाँ भाई ये हुई ना बात, क्या थे और क्या हो गए, भाई माशाल्लाह है, कमाल कर दिया। लो भाई बशीर मियां, अब तुम हो गए पहले जैसे जवान शरीफ उद्दीन, है अब तो तुम्हें कोई कह ही नहीं सकता बूढ़े मियाँ। अभी बड़ा ही बहुत चाहिए, भले पैसे ज्यादा ले लिए। कौन है? कौन है भैया, कौन है? अब्बू आप? हाँ तो क्या हुआ? बताओ ना भाई क्या हुआ? भाई वाह, आप तो बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आ रहे। कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम क्या मतलब? मेरा मतलब है कि एकदम छोरे लग रहे हैं। छोरे का मतलब बिल्कुल लड़के लग रहे हैं आप तो। यो बिना बात कमाल कर दिया तुम, आज तारीफ करेगा दिल लूट लिया। अब तुम ऐसा नहीं, बताओ क्या खाओगे आज तुम? अगर खिलाने का इतना ही मूड हो रहा है तो आइसक्रीम ही खिला दें। बिल्कुल, कौन सी? चॉकलेट फ्लेवर। तुम चलो, मैं भी लाया। बिल्कुल भाई माशाल्लाह, तारीफ हो गई, घर से तारीफ शुरू हो गई है और बाहर तो तारीफ इतनी होगी कि लोग अश अश कर उठेंगे। कमाल कर दिया। इतने सारे टमाटर लेकर आए हो क्या, फ्री मिल रहे थे? नहीं, खरीद कर लाया हूँ। क्यों खैरियत, क्या करोगे इतने सारे टमाटरों का? कितनी अजीब बात है यार, हम लोग टमाटर का केचप बनाते हैं और उसमें कसम खाने के लिए भी एक टमाटर तक नहीं डालते। अब्बू को तो शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि हम टमाटर का केचप बनाएं और उसमें टमाटर का बीज तक ना डालें। बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? अबे क्या बावले हो गए हो, क्यों हम सबके पेट पे लात मारना चाहते हो तुम? लोगों की जुबान पे हमारे केचप का टेस्ट चढ़ गया है, जब टमाटर के कलर से काम चल रहा है तो क्या जरूरत है पंगा लेने की? क्यों टेस्ट खराब करना चाहते हो यार? कमाल, ईमान खराब होता है तो हो जाए, लेकिन टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। वैसे टमाटर है टेस्टी। शरीफ साहब ने अपने काम में तौसी के लिए एक और कारोबार करने का फैसला किया। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने सरगर्मियां भी तेज कर दी और बिलआखिर अपनी केचप की बोतल मार्केट में लाने में वो कामयाब हो गए। उनकी आमदनी में इजाफा भी होना शुरू हो गया था। मजा आ रहा है, जीती रहे बेटा, अल्लाह तुझ जैसी बेटी हर किसी को दे, और इस जैसा बेटा अल्लाह सिर्फ दुश्मन को दे। अबू मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, जरूरी बात हो तू करेगा, बोल क्या कहना चाह रहा तू? अबू हम कोई और काम शुरू नहीं कर सकते क्या? क्या मतलब है तेरा? मेरा जमीर
मुझे मलामत करता है। हम लोगों को केचप के नाम पर जो खिलाते हैं उसमें टमाटर तो होते ही नहीं है। बेटा सुनेरा, तू जा आराम कर। जी अब्बू। हाँ भाई, क्या कहने जा रहा तू? बोल। अब्बू मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा जमीर मुझे मलामत करता। तेरा जमीर तुझे मलामत कर रहा है, तो ऐसा कर, अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो जा। हो सकता है कि तेरा जमीर भी तेरे साथ ही आराम से सो जाए। अब चल तू। नहीं अब्बू, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने फैसला कर लिया। काम नहीं करूंगा? क्या कह गया ये? बाप तो बचपन से ही अपनी औलाद को ईमानदारी का सबक पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। इस घर में बचपन से ही औलाद को 420 सिखाई जाती है। वो तो शुक्र है तुम पर कोई असर नहीं पड़ा इस बात का, वरना हमारी आने वाली औलाद भी हमें कोस रही होंगी। औलाद हुई नहीं और उसके कोसने तुमने पहले से सुन लिए। खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना सोचोगे तो सर में तो दर्द होगा ही ना। मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मुमताज जी, कई दिनों के बाद तुमने ऐसी बात कर दी है कि दिल खुश हो गया। कैसी बात? चाय वाली, जाओ मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सरीफ भाई, ए सरीफ भाई, क्या बात है भाई, इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है, बस वो क्या कहते हैं कि औलाद जब माँ बाप की आंखों में आके डालकर बात करती ना, तो माँ बाप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ए क्या हो गया, गुड्डू ने कुछ बोल दिया क्या? वो तो बहुत शरीफ बच्चा है भाई। उसने बात की भी है और नहीं भी की। क्या मतलब है, बात की भी है ने नहीं भी की? ए जरा खुल के बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बात बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन अंदाज उसे गलत साबित कर देता है। गुड्डू ने जो बात की है वो बिल्कुल सोलह ने ठीक की है, लेकिन जिस अंदाज से की है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। शरीफ भाई देखो, गुड्डू है ना बहुत अच्छा लड़का है। ए मैं तो उसकी मिसालें देता हूँ लोगों को, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है भाई। नहीं मैं भी कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही किया उसने। अच्छा छोड़ने बात वगैरह, ये बता कि अगर हम केचप का कारोबार खत्म कर दें तो फिर फौरन और अच्छा और आसानी से कौन सा कारोबार शुरू करते हैं? हाँ शरीफ भाई, काम करो, साबुन ने शैम्पू का काम शुरू कर दो, इसके अंदर केचप वाले काम से नफा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपके लिए मसला नहीं है, कर लोगे। हाँ लेकिन अखबार में इश्तेहार जो है ना वो हाँ मुझे पता है, अखबार में इश्तेहार जरूरी है। और मुझे ये भी बताया कि अब टेंशन मत ले, बताया मुझे तेरी फीस कवर कैसी दे रही है। अगर मत कर दूँ जिस तरह पहले दी थी ना वैसे ही दूंगा, लेकिन एक बात बता मुझे। हाँ पूछो पूछो। कब पटेगा? ए यार शरीफ भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं तेरी मकड़ी लेके भागा हुआ हूँ क्या? मेरा जमीर बहुत है मुझे सजा के लिए, तू मेरा दोस्त है तू नसीहत न कर खुदा के लिए। हमारे यहाँ अमूमन ऐसी बातों को टाल दिया जाता है जिससे जमीर के बेदार होने का खदशा हो। गुड्डू के जमीर की नींद टूट चुकी थी, अब देखना यह है कि यह बात किस पर असरअंदाज होती है, शरीफ के कारोबार पर या फिर गुड्डू की जात पर। भाई हाँ, आज हमने फैसला कर लिया भाई। तो अबू बीच में नहीं बोलने का और मेरी बात को गौर से सुनने का। मैंने ये फैसला किया है भाई कि हम केचप का कारोबार खत्म कर रहे हैं। तो फिर अबू करेंगे क्या? करना क्या है, कुछ नया बनाएंगे, वैसे भी अबू बहुत खूब बनाना जानते हैं। मैंने कहा ना कि बीच में नहीं बोलो, मेरी बातों को गौर से सुनो, गौर से ध्यान से समझिए मेरी बात को। हम केचप के कारोबार को आस्ते आस्ते खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और साबुन और शैम्पू के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ अबू ये ठीक आइडिया है,
क्यों भाई, अब तो खुश है ना? जी अब्बू। लेकिन सौरभ का माइस्टर से शुरू करना पड़ेगा ना इस सिरे से। देखो चलो भाई, इसका मतलब अब बाकी लोग भी अब्बू की तरह विग लगाने की तैयारियां शुरू कर दें। क्या मतलब है? काओ गाना। फरहान उर्फ बम एक न्यूज़ एजेंट है जो लोगों से पैसे लेकर उनके इश्तहारात मुख्तलिफ अखबारों में लगाता है और उनको नित नए मशवरे भी देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फरहान को अपने फायदे के लिए अपने खरीदार पैदा करने आते थे। अब क्या कर रहा यार, वो सही तरह दबा है, खाता नहीं है तू, कमाल कर रहा यार तू। अबे शरीफ भाई, सारे केमिकल उतने उतने डाल दिए जितने जितने आपने बताए थे। गुड, अब एक काम का, उस साबुन वाले ड्रम में वो जो मिट्टी का पाउडर लाओ ना, वो मिक्स कर दे। हाँ सही है, डाल दूंगा, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह आते ही पहला काम यही करूंगा। चल ठीक है यार। अबू ये मिट्टी का पाउडर क्या होता है? मैं जो है ना मिट्टी पिसवा कर उसका पाउडर बनवा के लाया। वो क्यों? देख बेटा, इस साबुन से कोई भी हाथ मुंह धोएगा ना तो मैल निकलेगा, और धोने वाले क्या समझेगा कि वो साबुन बड़ा अच्छा है, बड़ा मैल निकाल रहा है ये। मगर अबू ये बेईमानी है। शद्दू जी शरीफ भाई, भाई से किसी अस्पताल में ले जा किसी डॉक्टर के पास और बेईमानी का टीका लगवा ताकि हमारे काम का बनाइए। वैसे शरीफ भाई एक बात का मुझे यकीन हो गया, अस्पताल में आपके साथ धांधली हुई। अबे चल भाई आजा, तेरे को टीका लगवा दूं। नहीं जा रहा ये, ऐसा करता हूँ मैं टीका ला के आपको देता हूँ, आप खुद ही लगा देना। अबे जादू काम कर भाई। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ यार। वो तेरा कोई दोस्त है ना किसी न्यूज़ चैनल में काम करता है यार, उसे एक ज़रूरी काम था। तकदीर बनाने वाले ने कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। तकदीर हमेशा मेहरबान नहीं होती, कभी कभी ऐसे लोग मुंह के बल गिरते नज़र आते हैं जो किस्मत के धनी होते हैं, और कभी ऐसे लोग सरपट दौड़ते नज़र आते हैं जो उस मुकाम के अहल ही नहीं होते। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं। खोला नहीं तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। अबे क्या मुसीबत है, सकून से नहाने भी नहीं देते। कौन है? नाज़रीन ये देखिए, ये है वो अनासिर जो अपना इस्तेमाल किया हुआ झूठा साबुन और शैंपू और जाली साबुन और शैंपू पैक कर मार्केटों में हमारे इस्तेमाल के लिए बेचते हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं ये जाली साबुन और शैंपू कैसे बनाते हैं। आइए चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर गेट बंद करो। जी नाज़रीन ये देखिए कि किस तरह ये दो नंबर साबुन और शैंपू बनाते हैं, और उससे हमारे खाल और हमारे बाल सब खराब होते हैं। कैसे बनाते हैं ये? झूठा। हाँ झूठा, झूठा साबुन और शैंपू ही तो इन डब्बों में पैक करके वापस मार्केट में बेचते हो और गरीब सार्फिन को बेचते हो, जिससे उनके खाल और बाल दोनों खराब होते हैं। क्यों करते हो जाली काम तुम लोग? वह जाली गाएगा वे, ये झाग नहीं बनाता, देख झाग तो बनाता है लेकिन लोगों का। क्या हो गया भाई? नाज़रीन यहाँ के रहायशी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछते कि इनको यहाँ पर कोई तकलीफ होनी होती। जी सर, कोई तकलीफ नहीं होती आपको इधर? पहले मुझे एक बंदा बात करे। जी सर, टीवी पे आएगा ये? सर आएगा नहीं, बल्कि ये आ रहा है और इस वक्त दुनिया भर में लाखों लोग आपको लाइव देख रहे हैं, जो बोलना है बोलिए। नाज़रीन मेरा नाम गुड्डू है और मैं इस कारखाने के मालिक का बेटा। खामोश, खामोश नहीं रहूंगा। कमबख्त, खत्म हो गया सब, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद कर दिया तूने मुझे, कहीं कभी नहीं छोड़ा। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है अब्बू। बकवास बंद कर, जान से मार दूंगा। अरे ये काम अगर कोई गैर करता तो मुझे गुस्सा जरूर आता, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे बर्बाद करने वाला कोई नहीं है। अफसोस इसी बात का है कि मेरा सगा बेटा है जिसने मुझे बर्बाद किया। भाई सही कह रहा है अब्बू, आज नहीं तो कल ये सब होना ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हीं की वजह से उन लोगों ने इस मामले में पुलिस को शामिल नहीं किया। पर ना आप यहाँ नहीं होते और मैं भी आपके साथ जेल की सलाखों के पीछे होता तो फिर सोचा कि इनका क्या होता। गुड्डू रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है, काश हमारी बात का इनके दिल पर कोई असर हो सकता। चलो अब्बू,
काश के मुझे आप पर फखर होता। कभी कभी छोटे मुंह से निकली बड़ी बात इंसान की जिंदगी बदल देती है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, ना कि ये कि कौन कह रहा है। सही और गलत में जो लोग अपनी अना को मसला नहीं बनाते, उनके अपने उनका साथ देते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके साथ अक्सर ऐसा भी होता है।